नमस्कार दोस्तों, अनपुन नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटे मूंग, जिसके लिए मैंने आधा कप मूंग लिए थे, जिसे मैंने रात भर भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं। मूंग को मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम एक छोटी चम्मच तेल। तो मैं ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, आप सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा, एक चौथाई चम्मच जीरा डाल देंगे, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। गैस का फ्लेम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें इसे बनाना है। और अब हम इसके अंदर मूंग डाल देंगे। आप हींग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे बिना छोंके भी बना सकते हैं, पर मैं इसे छोंक के बना रही हूँ। कई लोग कच्चा मूंग खाना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप इसको छोंकना नहीं चाहते तो बिना छोंके भी आप इसे बना सकते हैं। बस मूंग को हम तेल के अंदर एक मिनट तक भून लेंगे, इससे इसका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। हमें मूंग को पकाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें, इसलिए हमने लो फ्लेम पे ही इसे पकाना है। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो मसाले में सबसे पहले डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 2 पिंच के करीब, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्ची की जगह आप काली मिर्च भी डाल सकते हैं, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच और बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला। और इन सभी मसालों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे फ्रेंड, हमें मूंग को पकाना नहीं है, बस हल्का सा मसालों को पकाएंगे और हल्के से ही मूंग पकाएंगे। ज़्यादा हमें मूंग को पकाना नहीं है, नहीं तो ये खाने में टेस्टी नहीं लगेंगे। तो बस आप देख लीजिए, एक मिनट तक मैंने इसे पकाया है। मूंग जो है हमारे बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और मूंग को हमें पूरी तरह से ठंडा करना है, गरम गरम नहीं बनाना है। ठंडा करेंगे, अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे, गैस को बंद कर देंगे। देखिए, मूंग जो है बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इनके ऊपर मसाला भी बहुत ही अच्छे से लिपट गया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, पर हम इसकी चाट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए थे, जिसे बारीक काट लिया था, वो डाल देंगे। 1 टमाटर बड़े साइज़ का, जिसे मैंने बारीक काट लिया था, और बिल्कुल थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। मसाले हम इसके अंदर अभी कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि सभी मसाले हमने डाल दिए हैं। और अब हम इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे और इन सभी को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। झटपट ये चाट बनकर तैयार हो जाती है। फ्रेंड, आप बनाइएगा, खाइएगा, तभी आपको पता चलेगा ये कितनी टेस्टी है और ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो अगर आप इसे छोंकना नहीं चाहते हैं तो यही मसाले डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो अगर आप टमाटर प्याज नहीं खाते हैं तो बिना टमाटर प्याज के भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, खाने में स्वादिष्ट है। चाट हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसे परोस लेंगे। तो देखिए, मैंने एक प्लेट में परोस लिया है। बहुत ही हेल्दी है, खाने में टेस्टी है। सुबह सुबह आप इसे नाश्ते में भी खा सकते हैं, छोटी मोटी भूख में भी बना सकते हैं, आप इसे अंकुरित करके भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है फ्रेंड। अब बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी यह चटपटी मूंग चाट कैसी बनी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अनपुन नर्सरी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई और आसान रेसिपी के साथ। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।